अपनी मां मेनका गांधी का चुनाव प्रचार करने वरुण गांधी सुल्तानपुर पहुंची। यह पहला मौका है जब वरुण पीलीभीत से टिकट कटने के बाद इस चुनाव में सार्वजनिक मंच पर नजर आए। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उन्होंने मेनका गांधी के लिए वोट मांगे। वरुण का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत भी किया। बीजेपी से टिकट कटने के बाद लंबे समय तक पार्टी और चुनाव प्रचार अभियान से दूरी बनाने वाले वरुण गांधी फाइनली पार्टी के प्रचार के लिए आगे आए हैं। हालांकि उन्होंने किसी बीजेपी प्रत्याशी के लिए नहीं बल्कि अपनी मां और सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया। यहां वरुण ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए आया हूँ। आज मैं केवल अपने माँ के लिए समर्थन जुटाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सुल्तानपुर की माँ के लिए समर्थन जुटाने के लिए। माँ की जो परिभाषा होती है वो होती है वो शक्ति जो सबकी रक्षा करे, जो भेदभाव ना करे, जो काम आए मुश्किल में और जो निरंतर अपने हृदय में सबके लिए प्यार रखे। वरुण गांधी ने कहा कि पूरे देश में 543 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। कई जगह पर बड़े बड़े अनुभवी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां के सांसद को ना कोई सांसद जी बुलाता है, ना ही मंत्री जी बुलाता है। पूरे क्षेत्र में लोग माता जी के नाम से बुलाते हैं। में नाम दिया जाता है। अब जब सुल्तानपुर का कोई व्यक्ति चाहे गरीब हो, चाहे असहाय हो, चाहे निर्धन हो, उसको पता है कि चाहे वो लखनऊ जाए, चाहे दिल्ली जाए, चाहे बनारस जाए, चाहे कहीं जाए, जब वो जाता है तो उसके साथ एक पहचान जुड़ी है। उसको केवल ये कहना है कि हम सुल्तानपुर से हैं, तो लोग कहते हैं वो मेनका गांधी वाला सुल्तानपुर, वो वहां से आए। मैं यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि सुल्तानपुर में ना काबिलियत की कमी है, ना साहस की कमी है, न प्रतिभा की और न स्वाभिमान की। सुल्तानपुर के लोग को केवल एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको अपना परिवार माने। परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब होता है हर बार में जो साथ है वही परिवार होता है। दरअसल बीजेपी ने इस बार वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट काट दिया था, जिसके बाद से वरुण गांधी प्रचार के लिए भी नहीं उतरे। वहीं मेनका गांधी ने अपने भतीजे राहुल गांधी और बेटे वरुण गांधी के बीच तुलना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सबके अपने अपने रास्ते हैं, अपनी अपनी किस्मत है, अगर काबिलियत है तो सब अपना रास्ता ढूंढेंगे। सबके अपने अपने रास्ते हैं, अपनी अपनी किस्मत है, अगर काबिलियत है तो सब अपना रास्ता ढूंढेंगे। मैं एक और दूसरे की काबिलियत पर कभी बोलती नहीं हूँ। दरअसल चुनाव के 5 चरण गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक वरुण गांधी प्रचार से नदारद रहे, लेकिन अब वो सियासी जमीन पर लौट आए हैं और इसी बीच मेनका गांधी के बयान के सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के राज्यों में